हेलो गाइस, आज YouTube चैनल स्ट्रेटजी के बारे में आपको बताया जाएगा जो आपका लेसन नंबर 2 है। इसमें आपको बताया जाएगा कि आपके YouTube चैनल पर क्या स्ट्रेटजी रहेगी और अपने YouTube चैनल बनाने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है और अगर YouTube चैनल हो गए तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर लेसन नंबर 2। ठीक है, सबसे पहले अगर आपके पास अपना एक गोल होना सबसे जरूरी है, गोल है जिससे जो आपका कंटेंट है आपको क्या बनाना है, आपको गोल का सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपका गोल है कि इतने टाइम पे मुझे इतने सब्सक्राइबर इतने व्यूज करने हैं, मतलब अगर टोटली देख ले तो हम कोई भी लाइफ में कोई भी काम करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर हमारे पास गोल है तो हमारा बिजनेस भी ग्रो करता है कि इतने टाइम में मुझे इतने की सेल करनी है, इतना अपना प्रोडक्ट इतनी कंट्रीज में या स्टेट्स में पहुंचाना है, इन चीजों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, इसके लिए गोल होना सबसे जरूरी है, राइट फ्रेंड। देन आती है देखो ऑडियंस। आपका गोल तो आपके पास बन गया कि आपको इतना प्रोडक्ट या आपका प्रोडक्ट है इतनी जगह लेकर जाना है और कैसे लेकर जाना है, इन चीजों का आपने देख लिया। ठीक है, ऑडियंस आपके सामान को पहली बार लेगी। अगर मैं एक प्रोडक्ट की बात करूं, ठीक है, आपके वो प्रोडक्ट को पहले लेगी, यूज करेगी, अगर उसकी क्वालिटी, ठीक है ना फ्रेंड्स, क्या कह रहा हूँ, उसकी क्वालिटी अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो फ्रेंड्स कोई भी पर्सन उस चीज को लेना ना नहीं चाहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्वालिटी का ध्यान रखना है। जैसे ऑडियंस है, अगर वो आपके चैनल पर आ रही है तो चैनल पर उसे वो चीज जो देख रहा है वो मिल रही है, समझाने का तरीका आपका क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आपने अगर कंटेंट भी कहीं से कॉपी भी कर रहे हो बट कंटेंट भी देख रहे हो, उसके बारे में पहले आप नॉलेज ले लो। ठीक है, क्या होगा उससे कि आप उसको, हर बंदा के दिमाग में एक चीज नहीं चलती लाइफ में कभी भी, एक बात याद रखना, तो आप उसे अपने दिमाग से उसे चेंज करके कुछ और उसके सामने रिप्रेजेंट करो। ठीक है, ऑडियंस आपके पास आ गई फ्रेंड्स, ऑडियंस आएगी आपके पास। ठीक है, उसके बाद ऑडियंस को क्या चाहिए होगा, ट्रस्ट। अगर ऑडियंस का आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा देन ये गोल नहीं सक्सेसफुल हो सकता। इसके लिए पहले आपको आपकी ऑडियंस की भी देखनी पड़ेगी कि ऑडियंस को मार्केट में क्या चाहिए, और अगर मैं उसे अपना कोई प्रोडक्ट दे रहा हूं तो वो उस प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचता है, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है कैसी है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे ये फ्रेंड देखो, अगर ऑडियंस का आपके ऊपर ट्रस्ट हो गया तो आपका गोल भी पूरा होगा, आपका क्वालिटी कंटेंट अच्छा हुआ फिर भी आपका गोल पूरा होगा। ये है कि ऑडियंस को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट जब कर सकते हो जब ऑडियंस आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगे। अब आप देखो विराट कोहली, ये सारे इन्होंने गोल बनाया था एक टाइम, कितने क्रिकेटर ऐसे हैं जो आकर चले गए कोई जानता भी नहीं, विराट कोहली, धोनी, सहवाग, सचिन, इन्हें क्यों जानते हैं, इनके तो कुछ क्वालिटी होगी ना, कुछ तो अलग था जो अब तक इन्हें जानते हैं। वैसे आपने अपना जो कंटेंट बनाओगे ऐसा बनाना कि सबसे अलग हो और ऑडियंस देखे तो उसे ऐसा ना लगे कि वो क्या देख रही है, ऐसे देखे कि एक बार देखते तो अगली बार भी उसकी सेम वीडियो को दोबारा ही देखे। जैसे आप देख लो सॉन्ग्स होते हैं, हम एक बार सुनते हैं, दो बार सुन लेते हैं, तीन बार भी सुन लेते हैं, पर कई सॉन्ग होते हैं हम एक बार सुनते हैं 10-15 सेकंड, उसके गाना में पसंद नहीं आता, हम चेंज करते हैं। हमारी जो इंडिया की ऑडियंस है या किसी भी कंट्री की ऑडियंस है, उसके पास सिर्फ मुश्किल से 5 या 10 सेकंड है, अगर आप उसमें अपनी बात उन्हें समझा गए, ठीक है, अगर आप अपनी बात उन्हें समझा गए देन वो आपके चैनल पे रहेगी, वरना वो नेक्स्ट चैनल पे चली जाएगी। ऐसा ही लाइफ में है, अगर आपके पास प्रोडक्ट अच्छा है एक बार आएगी, अगर उसे पसंद आया तो दूसरी दुकान पे चली जाएगी। इस चीज का आपको क्वालिटी का ध्यान रखना है कि क्वालिटी नहीं कितनी चाहिए आपकी। ठीक है फ्रेंड्स, देन आपको अब बताता हूँ यूट्यूब। आप अपने चैनल को यूट्यूब को यूट्यूब पे कैसे कर सकते हो, एक होती है पेड ऐड, एक होती है ऑर्गेनिक ऐड। आप अकेले ऑर्गेनिक ऐड से चैनल को ग्रो नहीं कर सकते, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आप पेड ऐड लगाओ, उसे बंदे देखेंगे। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपको पेड ऐड भी लगानी पड़ेगी क्योंकि आपका एक ब्रांड बन जाएगा। बट किसी भी बिजनेस को स्टार्टअप से ग्रो करने के लिए क्वालिटी सबसे बेस्ट रखनी चाहिए, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक
और सबसे बड़ी बात, आपको पेड एड लगाओगे, देन कल को आपको उसका रिवर्ट भी मिलेगा, आपको मनी मिलेगी। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट अच्छा नहीं है, आप पेड एड लगा रहे हो, तो कल को उसका 1% भी, 1% भी कुछ भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। आपको बताया जाएगा कि आपकी ऑर्गेनिक ऐड कैसे होती है। ऑर्गेनिक ऐड देखो फ्रेंड्स, वो होगी जो आप जैसे रेगुलर पोस्ट करते हो फेसबुक पे, आप पोस्ट डालते हो, वो ऑर्गेनिक है। किसी चीज की आपने डाल दी अपने प्रोडक्ट की फेसबुक पे विदाउट पेड, वो ऑर्गेनिक ऐड है। अगर पेड ऐड, उसी को पेड ऐड लगाते हो, तो वो हमारी, देखो हमारी जो जनरेशन कह सकते हैं और टेक्निकल कह सकते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि अब पेड एड लगाओगे, आपका चैनल उसी को दिखाएगा जो बंदा उसको सर्च करता होगा, जिससे क्या होगा, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। एंड अब आपको अगले लेसन नंबर 3 में हम आपको बताएंगे कि आपकी कंटेंट स्ट्रेटजी कैसी रहेगी और कैसे आपको बनानी है, कैसे आपको उसके ऊपर वीडियो बनानी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में हमें बताया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।